चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। भाजपा को हम तो वोट देने के नहीं, ना कोई बढ़िया काम कर रहा ना कर रही। भाजपा तो नाराज है, साल भर में कंडे घेर दिए और साल भर पीछे रुपए भी नहीं आते, धरना देंगे बैठे शामली में भी। ये जातिवाद को मिला दें, हिंदू मुस्लिम करवा दें, कुछ इधर डिवाइड हो जाए, कुछ इधर डिवाइड हो जाए। नमस्कार साथियों, सीसी में आप सभी का स्वागत है। देश में अभी 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। हम अभी बागपत लोकसभा सीट के गांव रमाला में हैं और गांव रमाला का ये शुगर मिल है जहां पर आसपास के किसान अपना गन्ना डालने आते हैं। और यहां हम किसानों से बात करेंगे कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या राय बन रही है। जी, आपका नाम? राजीव जी। देश में अभी 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इस बार किसान कैसे देख रहे हैं? ठीक देख रहे किसान। क्या देख रहे हैं? ठीक क्या भाई, नहीं देंगे मोदी हर कोई। अच्छा, क्या मोदी का क्या अच्छा लग रहा है? बाबा बढ़िया काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। गन्ना मूल्य घोषित हो गया ना? कुछ नहीं, अब गन्ने बनने का तो है नहीं, जो गन्ने का भी करते और बढ़िया। तो आप कह रहे हो कि सभी अच्छे काम कर रहे हैं? तो सभी अच्छे ही है, आज नहीं करेंगे कल वो कर देंगे, करने तो नहीं। लेकिन हरियाणा में तो घोषित कर दिया है ना ये खट्टर ने। भाई हम नहीं कह सकते, और जितनी जानकारी हमें इतनी बताऊंगे हम तो भाई। और कोई धर्मेंद्र कुमार। अच्छा कुमार जी, अभी 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इस बार कैसे देख रही है बागपत की जनता? बागपत की जनता का तो पता नहीं, पर मुझे अपना पता, भाजपा को हम तो वोट देने के नहीं, ना कोई बढ़िया काम कर रहा ना कर रही। युवा वर्ग है वो बेरोजगार हो लिया, किसान है उसकी दुर्गति हो ली, पेस्टिसाइड खाद दवाई जो भी थी सब महंगी, कोई हिसाब नहीं रहा, जिसकी मर्जी हरी जुकर लूट रहा। भाजपा सरकार ने, भाजपा न के योगी जी ने, मैं उन्हें बधाई दे रहा इस चीज की, उत्तर प्रदेश में दो चीज कायम कर दी, एक तो गुंडागर्दी खत्म कर दी, एक जो भी था जैसे भी था सुचारू रूप से चलाया। मोदी ने तो पूरे देश का ही बेड़ा गर्क कर दिया, और अब क्या कर देगा? बेईमान ये, भ्रष्ट ये, अत्याचारी ये, हिंदुस्तान के तीन टुकड़े कर दिए। हमारे यहाँ 900 रुपये का सिलेंडर मिल रहा, कहीं 500 का मिल रहा, कहीं 700 का मिल रहा है, तो हिंदुस्तानी राज्य ही तो अलग हो गए, हिंदुस्तान तो एक ही है। ऐसी ऐसा बुरा व्यवहार क्यों कर रहा? सोते ला व्यवहार, उत्तर प्रदेश में सबसे महंगा सिलेंडर, कहाँ जाएंगी यहाँ की महिला? मैं महिलाओं को दिवाली पे होली पे सिलेंडर फ्री, हमारे यहाँ कोई फ्री नहीं है। ये मोदी तक कोई पूछने वाला हो, मोदी तक ये पूछ ले, भाई तू तो हवाई जहाज में बैठ कर कपड़े पहन कर कहीं हजार के विदेश सुमार फलानी जगह घूम रहा, इस जनता को टैक्स में घुसेड़ता जा रहा, खामा खां की किसान निधि दे रहे, खामा खां की बेमतलब की राशन बांट रहे, मजदूर पैदा नहीं हो रहा, मजदूर खत्म कर दिया जी। मजदूर मजदूर नहीं, वो एक राजा था, उसने लक्ष्मी प्रसन्न कर ली, लक्ष्मी प्रसन्न करके रोजाना लक्ष्मी माता को बुलावे और गिन्नी छप्पे सोने की और लाकर जनता में बैठ दे, सारी जनता हरामी शराबी कबाबी होगी। वो काम मोदी ने कर दिया इस देश में, इस देश को बेच कर जो करवे श्रीलंका वाले भाग गए थे साफ जागा, पता भी नहीं लगा कंगे को गया, उधर भाग जाएंगे जी आज में उड़ गए जब यहाँ मारकाट मचेगी और वंगे थे दूसरे देश हमला करेंगे। बहुत बुरा राज, इससे बुरा हमने नहीं देखा कोई राजा आया हो। लेकिन देश के लिए तो वो काम कर रहे हैं। क्या भाई काम कर रहा है बताओ? ये कह रहे कि भाई आयुष्मान भारत है, उसके कहने से सब हो जाएगा, बताओ। 5 लाख का इलाज मुफ्त दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? अब सुनो, ये कार्ड बनने दे, कौन से कार्ड बनने जी? आयुष्मान कार्ड, हम गए भाई हमारा भी बना दो आयुष्मान कार्ड, बोले तारे तो लिस्ट में नाम ही नहीं है, हमारे बाप दादा जा लिए, हमारी 4 पीढ़ी जा ली, 5वीं पीढ़ी में हम खड़े, हमारा लिस्ट में नाम ही नहीं है, क्यों नहीं है जी? उस चीज का जवाब हम देंगे कि मोदी देगा कोई और देगा, बताओ मुझे। जीते नहीं किसी भी कीमत पर, बेमान्यता जी कदी जीत जाए। वो तो कह रहे हैं कि 80 के 80 लेके जाएंगे। अजी उनके क्या भूल जा, नुगो 70 सीट तो जा दे दी थी, भूल जा नुगो, सभा में तो निकट जा आयु बाहुल्य क्षेत्र है, बेमानना भी करे था, जिला पंचायत के इलेक्शन हुए थे इस पे बागपत वाली सीट पे, क्यों ना आके कर लिया बेमानना, काट देते टुकड़े कर देते सबके, भाग्य छोड़ गए अंतर थे जी। आपका नाम? भाई बोल के जी। आपका नाम? मेरा नाम तो सेवाराम है भाई। क्या बात हो रही, क्यों नाराज हो रहे थे ना? भाजपा है, भाजपा ने नाराज है, साल भर में कंडे घेर दिए और साल भर पीछे रुपए भी नहीं आते, धरना देंगे बैठे शामली में भी, शामली में भी धरना देंगे बैठे भाई, भसाने में धरना दे रहे थे, यहाँ कुछ नहीं,
तड़की जाएंगे हम, कल सुबह, कल सुबह जाएंगे हम तो तोल के देख नगर मार्ग ऊपर को कैमरू में देख, यहाँ से हटके दिखाऊँ मेरे कंधे बैठ जब बुढ़ापे में देख यहाँ से कहाँ है जी। आपका नाम? मेरा नाम सागर तोमर। तो तोमर जी क्या देख रहे हो इस बार चुनाव में, क्या नजर आ रहा है? ना, चलो ठीक है ना मत बताओ, लेकिन अगर देश में इलेक्शन होते हैं तो आपके हिसाब से क्या क्या मुद्दे होने चाहिए? जयंत चौधरी जीतना चाहिए यहाँ तो भाई, जीतना तो चाहिए, लेकिन युवाओं के क्या मुद्दे होने चाहिए? क्योंकि एक समय था कि भाई 2 करोड़ नौकरी का वादा किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें हुई है नहीं हुई है? नौकरी कहाँ मिले? अरे भाई इनसे कर दो। संदीप तोमर। अच्छा तोमर जी क्या लग रहा है इस बार चुनाव को, लोकसभा चुनाव को? लोकसभा चुनाव में तो भाजपा तो जागी, यहाँ तो राष्ट्रीय लोकदल ही आओगे जयंत चौधरी, लेकिन पिछले किसानों के मुद्दे को उठाओगा वही नेता होगा, किसानों के बेरोजगारी के युवाओं के भविष्य के बारे में सोचेगा वही आओगा। लेकिन पिछले किसान जयंत चौधरी हमेशा किसानों के मुद्दे उठाते आए हैं और आगे भी शायद उठाते रहेंगे, लेकिन पिछले 2 बार से लगातार वो बागपत सीट से जो कि उनका गढ़ माना जाता था वहां से हारते हुए आ रहे हैं। तो हार जीत तो होती रहती है, आगे अब की बार बढ़िया तरीके से जीता आगे बेचा, कहीं ना कहीं देख रहे हैं इस बार रालोद जो है युवाओं के लेकर बहुत ज्यादा चीजें कर रही है कि भाई खेल के मैदान और अभी बागपत जिले से सबसे ज्यादा जो है पदक लेके आए हैं इस बार एशियन गेम में, तो उनको सम्मानित किया जा रहा है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? जयंत चौधरी ने उनको सम्मानित किया, उनके भविष्य के बारे में सोच रहे, खेकड़ा में एक स्टेडियम बनवा रहे, जाट कॉलेज में रेसिंग का कोर्ट बनवा दिया, युवाओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं, अपनी सांसद नहीं दी था जितना भी उनसे हो रहा है वही कर रहे। अच्छा आपके यहाँ से सांसद है डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, उनका कैसा कार्यकाल रहा है इन 10 सालों? हमारी और किसान युवाओं की और किसानों की नज़रों में तो बिल्कुल बेकार रहा, ना उन्होंने किसानों का कोई मुद्दा सदन में उठाया, ना युवाओं का उठाया, और वे कुछ ही करते रहो, नहीं कहीं जनता के बीच में आए। इन नेहरू का फोटो लेके भेज देना, नेहरू में देख के हाल हो रहा, कहीं रास्ता भी नहीं, पानी कहाँ था होगा, सारी ऐटी पड़ी। पूर्वी अमन नहर जो सी मेन नहर है गंगा की वाली की डाला नहर। अच्छा जैसे अभी पेराई सत्र, गन्ने का पेराई सत्र भी शुरू हो गया है, तो क्या गन्ने का भाव अभी तक घोषित हुआ है या नहीं हुआ? क्या उम्मीद है कितना बढ़ के मिलेगा या पहले वाला? ये बता इनका बेईमानू का, बेईमानू का घटा दे, हर चीज का भाव बढ़ गया, खाद का बढ़ गया, दवाई का बढ़ गया, भाड़ा बढ़ गया, तेल बढ़ गया, सारी चीज बढ़ गई, पुराने ट्रैक्टर 5-7-10-20-50 हजार का लेकर अपना गंडे घेर लेते, बंद करो है बता, तो जी बंद हो गए कंपनी वालों के बिकेंगे तो कंपनी को फायदा होगा, हमें तो नुकसान हो गया, हम तो पुराने दुराने का काम कर ले, पट्टी कुछ लोग भी है। हाँ जी क्या कमी, सरकार तो नौकरी तो दे रही, रोजगार दे रही, मैं जुगाड़ तो कर ही रखा भाई, आदमी खाने का चावल दे रही, नाज दे रही, बीमार हो जाए आयुष्मान कार्ड दे दिया, सिलेंडर दे दिया, तो क्यों परेशान? अरे चावल तो मैं दे रही हूँ, लेकिन चांद पर तो पहुंचा दिया ना देश को, चांद पर तो पहले ही जा लिया, जैन उन्होंने पहुंचा दिया, मोदी का फोटो राकेश जी जा लिए थे, राकेश शर्मा चांद पे पहले ही जा लिए थे, इन्होंने तो कौन सा बड़ा आसान कर दिया, हमें चांद पे नहीं जाना, हमें यहाँ जिंदा रहना, चांद पे तो बाद में जाइए, उद्योग करियो, वहाँ जो कुछ करोगे, पहले इस जनता को संभाल लो, इस देश को संभाल लो, इसका बेड़ा गर्क करने लग रहे, बेरोजगारी, बच्चे घूम रहे भर्तियों में जा रहे, 4 साल की हुआ कर दी मिलिट्री की भर्ती, अग्निवीर नाम दे दिया उसे, अग्निवीर में लड़के भर्ती में जा, उन अभी बेचारों को ढंग से भर्ती नहीं करा जा रहा, वो लड़का गुजरा था कहाँ का गुजर गया, उसे झंडे में भी लपेट के नहीं भेजा, इतना बुरा अपमान, शहीद का दर्जा भी नहीं दिया गया उसे, अग्निवीर नाम दे दिया, शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा, इससे बड़ा भ्रष्टाचार अन्याय कहाँ होगा? संदीप चौहान किटल कटल से। तो यहाँ कब से पड़े हो आप? सुबह 7 बजे से आ रहे। अच्छा और अभी 4 बजे तक जाएंगे घर। अच्छा उम्मीद भी नहीं है जो चले जा, कोई बंद हो गया और बंद हो गया अगले दिन भी जा सके, कोई कंफर्म नहीं है। क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं यहाँ किसानों को? बस तो दिक्कत तो देख लो, 7 बजे से यहाँ लौट रहे, बुक्के लौट रहे, जाके फिर बुक्की भरनी फिर आना। अच्छा देश में अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में आने वाले हैं, सभी पार्टियां दावे कर रही है कि भाई हम ये कराएंगे हम वो कराएंगे, तो इस बार आपका क्या मतलब इस क्षेत्र के किसान का आपका क्या रुझान है? किसान तो मैं भी हूँ, ये भी किसान है, सबके अपने अलग अलग मत है मेरे भाई, हम तो वोट देंगे बाबा को, हमारा रीजन भी देने का है क्राइम, जान है तो जान है,
मार तो मकसद है सीधा बाबा। कितना क्राइम कम हुआ है आपके हिसाब से? 100 भाई क्राइम तो कम होगा पर 100 हम तो भाई अवरेज होलियम भर्ती के बारे में सोचते हैं। जब आदमी के पास रोजगार नहीं होगा तो बदमाश उससे क्या लूटेगा? कुछ भी लूटा, इज्जत लूट लगा बदमाश का क्यों लूटने का साहब? ये बताओ जी, इज्जत नहीं रहेगी बेर के बच्चा का, बदमाश का जरूर लूटने के लिए। आप कह रहे हो कि किराया कम हो गया, उधर नौजवान कह रहे कि हमारे पास रोजगार नहीं है, तो अगर आदमी के पास रोजगार होगा वो अपनी सेफ्टी के लिए। जनसंख्या कितनी है इंडिया की? कितनी है आप बता दो? 140 करोड़ के आसपास। 140 करोड़ को रोजगार दे सकेगा कोई सरकार? टैक्स भी तो उतना जा रहा होगा ना। हाँ, टैक्स जा रहा। अगर मंडल भी हम खरीद रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है तो उस पर टैक्स भी जा रहा। हुँ. जैसे जनसंख्या बढ़ रही है ऐसे टैक्स भी बढ़ रहा है, तो वो चीजें है, वो पैसा डेवलपमेंट में तो लग रहा है ना कहीं, वो पैसा ये तो नहीं सरकार अपनी जेब में रख रही। कौन से डेवलपमेंट में? आप ही देख लो, रोडों का डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा तो डेवलपमेंट बता रहा है। इसमें कैसे उस पर टोल टैक्स तो वसूला जा रहा है ना, वो डेवलपमेंट तो वहाँ से निकल रहा है। ये तो मिल भी हमसे सब कुछ वसूल है, यहाँ पैसा लग रहा है भी। किसी प्राइवेट को दे दो, किसी को दे दो। तो मैं ये कह रहा हूँ सरकार के ये दायित्व होते हैं, अगर वहाँ कोई भी जनता है, वो कितनी भी पॉपुलेशन हो वहाँ की, सबकी इच्छा पूरी कोई नहीं कर सकता। भर्ती करवाता, भर्ती काट दे, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो रही है। काट तो रखी भर्ती। अग्निवीर, अग्निवीर का कोई फायदा नहीं है मेरे भाई, 4 साल के इससे बढ़िया प्राइवेट कर ले आदमी। ये भाई दोनों कह रहे सब बढ़िया हो रहा है, ये भाई दोनों कह रहे सब बढ़िया हो रहा है। भाई कुछ बढ़िया नहीं हो रहा मेरे भाई, तो हम बढ़िया हो, तुम्हारी उम्र तो मेहमान की उम्र थोड़ा है मेरे भाई। अरे छोड़ो ना, अरे सुन यार, सुन, लड़ाई कहीं की रहेगी भाई? मेरे भाई मारी मेहमान है, मैं भर्ती होने की उम्र थी, हम भर्ती होते कुछ करते यार, कुछ नहीं होता ना, कुछ हो रहा। तो इस बार आपको क्या लगता है, आपके क्या इस बार चुनाव में बदलाव होगा, या वही चीजें जो पहले सरकार थी वही अच्छी लग रही है, या अब नई सरकार को आप इस बार देखना चाह रहे हो? नई सरकार को तो हम हर बार नवी देखना चाह रहे हैं, पर ये बनन तो नहीं दे रहे। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, पहले तो ये बनन नहीं दे रहे। और हम अपनी समस्या सोल्व जब करेंगे, जब हमारी कोई सरकार आओगी, सरकार हमारी आती नहीं, समस्या नुकी नहीं। क्यों सरकार नहीं आ पा रही है आपके? सरकार इसलिए नहीं पा रही, ये जातिवाद को मिला दें, हिंदू मुस्लिम करवा दें, कुछ ये इधर डिवाइड हो जाए, कुछ इधर डिवाइड हो जाए, बस तक कुछ है नहीं। मेरे पास सरकार का नाम तो बताओ, कौन सी चाह रही? हम तो लूँ सो रहे लोक दल आ जा। बिल्कुल, अच्छा हाँ ये बताओ, खुल का बताओ ना, जो सरकार हम तो चाह रहे लोक दल आ जा। तो इस बार बदलाव की बारी है? हाँ, तो उसके हिसाब से, हमारे हिसाब से तो हमेशा रही है। और बाकी कुछ अब मेरे हिसाब से जो इससे पहली बार दो बार बीजेपी आ चुकी है रिसेंटली, अब की बार भी इनकी आँख ना खुली तो भाई ना, अगली बार अपने आप ही पता लग जाएगा भाई इनकी सरकार है। कुछ भी ऑर्डिनेंस पास कर दो, कुछ भी बिल पास कर दो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। हम अभी बागपत लोकसभा सीट के गांव रमाला में थे, और गांव रमाला का यहाँ शुगर मिल था, यहाँ पे जो किसान गन्ना डालने आए हुए थे, हमने उनसे चुनाव को लेकर बात की, सभी ने अपनी राय रखी। जुड़े रहे इसी से, यूपी से खबरें आप तक आती रही। धन्यवाद।